क्या बेबी सिटर उसका काम पे लगे हुए हैं। हे गाइस वेलकम बैक। सो आज डेट है 29 जनवरी एंड अभी टाइम हो गया 10 बजे करीब। सो अभी आज कोई लॉन्ग राइड नहीं, एक शॉर्ट राइड रहेगा 1 घंटे की, जो कि हम सेम घर के बैक वाटर पर जा रहे हैं एंड वन डे पिकनिक रहेगा। तो पूरी की सामान लेके जा रहे हैं हम, उधर जाके खाना बनाने वाले हैं। पूरी सामान यहाँ पे देख सकते हो। अभी टेंट रेंट पे लेने वाले हैं, जो कि मेरे पास तो है ही नहीं टेंट, तो मैंने रातों को रात में एक जगह पे मिल गया रेंट पे, तो अभी उधर पिक करके हम निकलेंगे। तो यहाँ से वो 1 घंटे की रास्ता है। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम है टेमगढ़ के बैक वाटर साइड। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक डैम है एंड यहाँ पे हमारा पिकनिक करने का प्लान है। उसके बैक साइड पे कुछ जगह है जो हमने देखा है, सो थोड़ा देखेंगे वहाँ पे, फाइनलाइज करेंगे कौन सी अच्छी है, छांव वगैरह देख के हम पिकनिक हमारा कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आर सो मच एक्साइटेड। हाय गाइस अभी आप ये देख रहे हो टेमगढ़ डैम का बैक वाटर है यहाँ पे। सो रास्ता थोड़ा हम आगे चले गए थे, यहाँ पे रास्ता कन्फ्यूजिंग है। सो अभी रास्ता हमें मिल गया है और हम वहाँ पे जा रहे हैं। यू कैन सी बहुत पानी है, बहुत शांत क्लाइमेट है। यहाँ से एक टर्न लेना है, यहाँ पे ऐसा एंट्रेंस दिखेगा आपको, वहाँ पे ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। रास्ता भी बन रहा है थोड़ा सा। सो फाइनली हमको जगह मिल गया और ये जो गेट था उसके बाजू में इधर से एक रास्ता है और हमने कार पार्क कर लिया है और सामान सब धीरे धीरे करके सब एक साथ सब एक जन एक कुछ कुछ लेके जा रहे हैं और या वी आर रेडी। ये जगह मिलना बहुत मुश्किल थोड़ा सा है, बट लैंडमार्क है कि यहाँ पे गेट है और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता। खाना बना रहे हैं एंड हम यहाँ पे चूल्हा लगाएंगे। बहुत जगह पे दारू का बोतल टूट के पड़ा है, देखो यहाँ पे और एक है। कितने मैं तो बहुत फेंक के साफ कर चुका हूँ, पर इतने सारे पड़ा है ना। और ये है पूरा बैक वाटर, देख सकते हो। सो गाइस सेटअप हो गया है, मम्मी प्याज काट रही है, गोलू आराम से टेंट में खेल रहा है, हमारा चूल्हा जल गया है फाइनली। अभी हमारा चिकन स्टार्ट होगा, यहाँ पे चिकन बनेगा, यहाँ पे राइस बनेगा, साइमल्टेनियसली दो चूल्हे जल्दी खा पाएंगे ना। हे गाइस सो अभी ऑलमोस्ट चिकन पक गया है, ये देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर चिकन पक गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। और टाइम हुआ है अभी कितना टाइम, क्या टाइम हुआ है? 2:30 मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर सब खत्म हो गया, राइस उधर हो गया एंड ये हमारा टेंट है और टेंट के अंदर गोलू बैठा है आराम से, मस्त एंजॉय कर रहा है वो। एंड अभी सनसेट हो जाएगा, ये साइड में सनसेट होगा बट सनसेट देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये सनराइज पॉइंट है। एंड और ये देखिए चिकन, और चूल्हे में चिकन बनाने का अलग ही मज़ा है। ऑलमोस्ट पक गया है और अभी सिर्फ पानी डाल के ग्रेवी बनाएंगे। तो अभी हमारा खाना परोस गया है और ये देखिए चिकन सलाद एंड राइस। और ये हमारा गोलू इधर खेल रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है।
और पीछे लेक लेक है, छोटा सा बैक वाटर है। और एज यूजुअल खाते वक्त मम्मी मुझे परेशान करने के एक मूड में, शांति में कभी मुझे खाने नहीं दिया है। और ये घर से रोटी लेके आए थे महारानी के लिए, महारानी राइस नहीं खाते, डाइट कॉन्शियस है, दिख रहा है ना कितना डाइट है। पैकअप इज कम्प्लीटेड, जैसा प्लान किया था वैसा सब कुछ हो चुका है। खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बना था, अच्छे से खाना खा के पूरी जगह एक्सप्लोर की, फ़ोटो शूट किया एंड मस्त एंजॉय करके माहौल का माहौल जो अच्छा है उसका फीलिंग लेके एंजॉय करके अभी बैक टू होम। और ये सनसेट टाइम है, आप देख सकते हो ये साइड में सनसेट हो रहा है। बेसिकली ये जो जगह है वो सनराइज़ के लिए है। आप यहाँ ये साइड में आपको सनराइज़ दिखेगा यहाँ पे पर्टिकुलरली, जो कि हम एक्चुअली मिस कर दिए, हमने आते वक्त लेट हो गया। पर आप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी जल्द आ जाइए ये जगह पे, मतलब ऑलमोस्ट 6 o'clock तक आ जाइए, टेंट लगवा दीजिए, या अगर टेंट भी नहीं है तो आप टाई डाल के आप आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। बहुत छाँव है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेड़ बहुत अच्छे छाँव देता है, तो आप सनराइज़ भी इन्जॉय कर सकते हो, सनसेट भी इन्जॉय कर सकते हो। So bye, see you in the next vlog. Please like, share and comment. Thank you. See you in another vlog. Bye bye.